CITS एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन इसका काउंसलिंग का डेट अभी तक नहीं आया है। तो इस बारे में हम और आप कुछ तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, एक और एक चीज जो कर सकते हैं वो हम ये जान सकते हैं कि पिछले साल यानी कि CITS 2021-22 सेशन में फर्स्ट फेज काउंसलिंग में किस ट्रेड का कितना कट ऑफ गया था। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कट ऑफ जानेंगे। और सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ये कट ऑफ का डेटा है, क्योंकि YouTube पे आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसपे कि कट ऑफ बताया गया हो कि किस ट्रेड का किस NSTI में कितना कट ऑफ गया था, कितना नंबर पे एडमिशन हुआ था। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे ये सोर्स कहाँ से मिला। तो सोर्स हम आप लोग से शेयर करना चाहते हैं, सोर्स ये रहा, ये PDF आप लोगों ने भी देखा होगा, CITS काउंसलिंग 2021 फर्स्ट फेज सीट अलॉटमेंट, ये 218 पेज का PDF है। और इसमें मान नंबर के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से हर एक NSTI का दिया गया है, लेकिन इसमें डेडिकेटेड नहीं है कि एक NSTI का कितना कट ऑफ गया। तो इसमें से मैंने डेटा को फिल्टर आउट किया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इस सीट को जो PDF था इसको कन्वर्ट किया एक्सेल फाइल में। ये एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर मेथड लगाने के बाद जो डेटा फिल्टर होकर के आया है वो कुछ इस तरीके से है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2021 के काउंसलिंग में फर्स्ट फेज का कट ऑफ कितना गया था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। तो सबसे पहले अगर NSTI चेन्नई का बात करें तो NSTI चेन्नई में टोटल सीट थी 150, फर्स्ट फेज में अलॉट की गई सीटें थी टोटल 124, जिसमें जनरल का कट ऑफ गया था 58, जनरल फीमेल का कट ऑफ गया था 27, EWS का कट ऑफ गया था 42, EWS फीमेल और हैंडीकैप्ड के लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं था सीट में, OBC का कट ऑफ गया था 55, SC 51 और ST का 47। फिर उसके बाद NSTI कालीकट का बात करें तो यहाँ पे टोटल सीटें थी 25, फर्स्ट फेज में अलॉट की गई सीटें थी 17, जिसमें जनरल का कट ऑफ गया था, मतलब लास्ट स्टूडेंट जो था जनरल का उसको अलॉट हुआ 54 नंबर पे, जनरल फीमेल और जनरल PH का डेटा अवेलेबल नहीं था, EWS का कट ऑफ गया 50, OBC का भी 50, OBC फिजिकली हैंडीकेप्ड का 40, SC का 47 और ST का 39। फिर उसके बाद NSTI भुवनेश्वर में टोटल सीट थी 25, फर्स्ट फेज में अलॉट की गई सीटें थी 23, जनरल कट ऑफ गया 64, जनरल फीमेल का कट ऑफ गया 43, EWS 60 और EWS फीमेल 29, OBC का 62, OBC फीमेल 33 और OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड 45, SC का कट ऑफ गया 54 और ST का कट ऑफ 46। फिर उसके बाद अगर NSTI V हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पे टोटल सीटें थी 100, फर्स्ट फेज में अलॉट की गई सीटें 92, जनरल कट ऑफ 61, जनरल फीमेल का कट ऑफ 39, जनरल फिजिकली हैंडीकैप का कट ऑफ 38, EWS का कट ऑफ 42, OBC 59, OBC फीमेल 30 और OBC फिजिकली हैंडीकैप 28। उसके बाद SC का कट ऑफ गया 55, SC फीमेल 30 और SC फिजिकली हैंडीकैप 27, ST 51 और ST फीमेल 33। इसके बाद अगर NSTI जोधपुर का बात करें तो टोटल सीटें थी 50, फर्स्ट फेज में अलॉट की गई सीटें 49, जनरल कट ऑफ 75, जनरल फीमेल 57, EWS कट ऑफ 73, EWS फीमेल 40, EWS फिजिकली हैंडीकैप्ड 51, OBC 72, OBC फीमेल 53, OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड 53, SC 69, SC फीमेल 52 और ST का कट ऑफ 65, ST फीमेल 48, ST फिजिकली हैंडीकैप्ड 59। इसके बाद NSTI लुधियाना में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए टोटल सीटें 75, अलॉट की गई सीटें 73, जनरल का कट ऑफ गया 69, जनरल फीमेल 47, EWS 58, EWS फीमेल 51, OBC 67, OBC फीमेल 42, OBC फिजिकली हैंडीकैप 40, उसके बाद SC का 63, SC फीमेल 39, ST 61, ST फीमेल 41 और ST फिजिकली हैंडीकैप 39। फिर उसके बाद NSTI हल्द्वानी में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड नहीं है, NSTI मुंबई
एनएसटीए मुंबई में टोटल सीटें थी 100, फर्स्ट फेज में अलॉट की गई सीटें 97, जनरल का कट ऑफ 64, जनरल फीमेल 42, जनरल फिजिकली हैंडीकेप 33, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 57, और जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है वो डेटा मुझे सीट में नहीं मिला, वो अवेलेबल नहीं था। उसके बाद ओबीसी 62, ओबीसी फीमेल 36, ओबीसी पीएच 36, इसका भी दोनों का सेम है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 37। उसके बाद कट ऑफ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक ही आदमी अप्लाई किए होंगे, उनको जितना मार्क्स होगा अलॉट हो गया। एससी का कट ऑफ गया 59, एससी फीमेल 26, एससी फिजिकली हैंडीकेप 29, एसटी 55, एसटी फीमेल 30। उसके बाद एनएसटीआई देहरादून का बात करें, एनएसटीआई देहरादून का बात करें, टोटल सीटें 100 थी जिसमें से फर्स्ट फेज में अलॉट की गई सीटें 98, जनरल कट ऑफ 67, जनरल फीमेल 48, ईडब्ल्यूएस 64, ईडब्ल्यूएस फीमेल 35, ओबीसी 65, ओबीसी फीमेल 41, ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप 57, ओबीसी एक्स सर्विसमैन 38, एससी 63, एससी फीमेल 32, एससी पीएच 35, एसटी 58, एसटी फीमेल 45, और एससी फिजिकली हैंडीकैप के लिए अवेलेबल डेटा नहीं है। फिर उसके बाद बात करें एनएसटीआई हावड़ा की, तो इसमें टोटल सीटें थी 50, अलॉट की गई सीटें 48, जनरल कट ऑफ 69, जनरल फीमेल 60, जनरल फिजिकली हैंडीकैप 53, ईडब्ल्यूएस 64, ओबीसी 68, ओबीसी फीमेल 50, ओबीसी पीएच 49, एससी 59, एससी फीमेल 47, एसटी 59 और एसटी फीमेल 30। फिर उसके बाद बात करें एनएसटीआई कानपुर की, तो एनएसटीआई कानपुर में टोटल सीटें 100 थी, फर्स्ट फेज में अलॉट की गई सीटें 98, जनरल का कट ऑफ 74, जनरल फीमेल का कट ऑफ 59, जनरल फिजिकली हैंडीकैप कट ऑफ 58, ईडब्ल्यूएस 71, ईडब्ल्यूएस फीमेल 73, ओबीसी 72, ओबीसी फीमेल 53, ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप का कट ऑफ 42। फिर एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया 67, एससी फीमेल 41, एससी पीएच 55, एसटी 63, एसटी फीमेल 43, एसटी पीएच 61। फिर इसके बाद एनएसटीआई जमशेदपुर में इलेक्ट्रिशियन की सीटें नहीं है, एनएसटीआई बेंगलुरु की में टोटल सीटें 50, अलॉट की गई सीटें 44, जनरल कट ऑफ 63, जनरल फीमेल 48, जनरल पीएच 34, ईडब्ल्यूएस 57, ईडब्ल्यूएस पीएच 32, ओबीसी 60, ओबीसी फीमेल 29 सॉरी, एससी 52, एससी फीमेल 42, एसटी 44, एसटी फीमेल 38। ये रहा। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आपको किस ट्रेड का कट ऑफ जानना है, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत लगता है कोई भी ट्रेड का कट ऑफ निकालने में, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तभी मैं कट ऑफ निकाल करके नया वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं इतना मेहनत क्यों करूं। ठीक है, अगर आपको कट ऑफ जानना है जिस भी ट्रेड का आप कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको आगे और किस ट्रेड का कट ऑफ जानना है।